लगातार कई शिकायतों के बाद आखिरकार गुलबर्गा शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो चुकी है। गुलबर्गा शहर के हर कोने में आवारा कुत्ते और जंगली सुअरों से आवाम परेशान हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस पर कई बार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्ते और सुअरों का शिकार हुए मासूम बच्चे और बड़े बुजुर्गों की तकलीफ आपको दिखाई गई है। हागरगा रोड, अमन नगर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता देख यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा फराजुल इस्लाम से गुजारिश कर आवारा कुत्तों का सफाया करने की मांग की थी। एमएलए कनीज फातिमा ने कॉरपोरेशन कमिश्नर से बात कर कुत्तों को पकड़ने का डायरेक्शन दिया और 40 के करीब कुत्तों को पकड़ा गया है। गुलबर्गा शहर के हर इलाके में कुत्ते और सुअरों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है और आवाम के बीच दहशत का माहौल देखा गया है। अमन नगर की तरह हर इलाके से इसी तरह कुत्ते और सुअरों का सफाया करना बेहद जरूरी है। इस मौके पर अमन नगर यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हैदर अली इनामदार, मजहर अली, अबू बकर, मतीन शेख और दीगर तमाम जिम्मेदारों ने एमएलए कनीज फातिमा, फराजुल इस्लाम और कॉरपोरेशन कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे अमन नगर के अंदर जो हमने यहाँ पर अमन नगर के अंदर कुत्तों के वजह से यहाँ पर बहुत सारे अवाम को और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कुत्तों ने जिस तरीके से हमला कर रहे थे, उस हमले को देखते हुए यहाँ की अमन नगर की जनता ने हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों को आकर यहाँ की अवाम ने कंप्लेंट दिए, तो हमने फौरन यहाँ से हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारों ने मिल के हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को हमने जाकर यहाँ के कुत्तों के जरिए से जो अवाम पर जो हमले हो रहे थे उन हमलों को रोकने के लिए हमने गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराज इस्लाम साहब को हमने जाकर यहाँ के मसाइल को, यहाँ के कंप्लेंट को, हमने यहाँ के इश्यूज को, यहाँ के प्रॉब्लम को हमने जाके उनको सुनाए। सुनाने के बाद इमिडिएटली फराज इस्लाम साहब और एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने हमारे सामने ही कमिश्नर साहब को कॉल करके, कॉर्पोरेशन कमिश्नर भुवनेश्वर पाटिल साहब को कॉल करके इमिडिएटली यहाँ पर अमन नगर में जो कुत्तों का यहाँ पर जो काटने का वाकया यहाँ पर पेश आया है, तो इमिडिएटली तुम्हारी टीम को भेजकर यहाँ पर कुत्तों का जो कुत्तों को पकड़ने का काम के लिए तुम्हारी टीम को भेजो बोल के कमिश्नर साहब को एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी और फराज इस्लाम साहब बोलने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इमिडिएटली 24 आवर्स के अंदर आकर तमाम यहाँ के जो हमारे सुमित सर और तो पूरे उनकी टीम जो कुत्ते पकड़ने की जो भी डॉग कैचिंग करने की टीम है उन तमाम लोगों ने आकर आज अमन नगर में कम से कम एक 30-40 कुत्तों को पकड़े हुए हैं। इंशाल्लाह फिर कल मॉर्निंग यहाँ पर इंशाल्लाह और कुत्तों को पकड़ने का, डॉग कैचिंग करने का टीम यहाँ पर आने का हमको आश्वासन दिए हैं। और मैं खास करके इस मौके पे हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी का और फराज इस्लाम साहब का और हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर भुवनेश्वर पाटिल सर का मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों पर ऐसे इतने सारे हमले यहाँ पर हुए थे, लेकिन आज हमको बहुत सारा राहत मिला है कि इन कुत्तों से हमको रिलीफ मिला है। और खास करके मैं इस मौके पे हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान और खास करके आज मेरे साथ यहाँ पर तमाम टीम के जिम्मेदारान, हमारे कमेटी के ट्रेजरर जनाब मतीन शेख साहब और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मजहर अली साहब और नायब सदर जनाब अबू बकर साहब और तमाम यहाँ के कमेटी के जिम्मेदारान ने लगातार सुबह 6 बजे से लेके अभी दिन के 11 बज रहे हैं, तो सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक कुत्तों को पकड़ने का काम यहाँ पर जो तमाम टीम मिलके काम किए हैं, मैं दिल से हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान का भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अमन नगर में कुत्तों से बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत सारी तकलीफ थी, स्कूल जाने प्रॉब्लम, घर के बाहर बच्चों को छोड़ने लोग, यहाँ पर डर का माहौल था, तो यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान ने मेरे मैडम कनीज फातिमा जी से, फराजुल इस्लाम साहब को ये इत्तला दी कि अवाम में एक डर का माहौल है कुत्तों को लेकर, तो फराजुल इस्लाम साहब और एमएलए मैडम ने इमीडिएट कॉर्पोरेशन कमिश्नर को कॉल करके हिदायत दी कि अमन नगर में जो प्रॉब्लम चल रहा है डॉग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इमीडिएट उनको जो है वहाँ से हटाया जाए। तो ये बोलने के बाद दूसरे दिन कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब ने उनकी तमाम टीम को यहाँ पर भेजा। आज अमन नगर में सुबह 6 बजे से यहाँ पर डॉग पकड़ने की गाड़ी है और 30 से 40 कुत्ते यहाँ पर पकड़ चुके हैं।
अब हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कल या परसों और एक ईयर राउंड आकर ये लोग पकड़ने का वादा करे हैं। तो यहाँ की अवाम और हमारी अमन नगर कमेटी यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी मोहतरमा कनीस फातिमा जी का, फराजुल इस्लाम साहब और कॉर्पोरेशन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज अमन नगर में कुत्ते बड़े परेशान कर रहे थे लोग, आवाम को, बच्चे स्कूल को जा रहे थे, आ रहे थे, काट रहे थे। तो हमने मैडम को और फराजुल इस्लाम साहब को जाके हमने बताए थे, उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके बताया कि इधर अमन नगर में जाइए, इधर कुत्ते बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इमीडिएटली आज गाड़ी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुत्ते हम लोग ने पकड़े हैं और डॉग रेस्क्यू वाले भी यहाँ पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम का, तमाम लोग का, जिसने फराजुल इस्लाम साहब, मैडम, कमिश्नर साहब का, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब ये हमारे इनामदार साहब, जिनको तकलीफ हो रहा था डॉग कैचिंग के बारे में, इन्होंने कॉर्पोरेशन को कॉन्टेक्ट करके हमको इधर भेजा गया। तो हमने यहाँ से सवेरे 6 बजे से लेके 11 बजे तक इधर 30 से 40 डॉग कैच किया और मेरे को ये एरिया के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.